अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा हर चीज़ पर रिसर्च करती हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मेरी बकेट लिस्ट में पड़ी हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। उन्हीं में से एक रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक फ्रूट पर मैंने फोकस किया है और उसकी मदद से मैं बनाऊंगी एक अमेजिंग सा फेस मास्क। आप इस फ्रूट को खाते भी बहुत शौक से होंगे, आई होप सो। मेरा तो खैर पसंदीदा है ही है, आप लोगों का अगर ये पसंदीदा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देख के बस यही दिल से निकलता है कि और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। लाइक लिटरली कोई भी ऐसी चीज अल्लाह ताला ने नहीं बनाई जो किसी काम ना आए। सैलिसिलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, आप लोग जानते ही हैं इनके सीरम्स कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं स्ट्रॉबेरी में ये दोनों चीज़ें भरपूर मकदार में पाई जाती हैं और ये आपके स्किन के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग अपने स्किन को ट्रीट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्ट्रॉबेरीज डेली खानी पड़ेंगी। स्ट्रॉबेरीज जितनी ज़्यादा आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। स्ट्रॉबेरी आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं यहाँ राइट डाउन करती जाऊँगी, तो आप पढ़ भी लीजिएगा और इसको फॉलो अप भी कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपके स्किन को क्लीन करती है, आपके पोर्स को क्लींस करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, इंस्टेंट ग्लो देती है। अगर आपको वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का इशू है तो इस फेस मास्क के इस्तेमाल से वो भी दूर हो जाएगा, और साथ ही आपके स्किन वाइटनिंग के लिए भी स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके लीव्स रिमूव करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। ये फेस मास्क तमाम स्किन के लिए बेहतरीन है, लेकिन जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। स्ट्रॉबेरीज हमारी मैश हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शन हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको स्ट्रेन करके इसका सिर्फ जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे पल्प के साथ ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, क्योंकि पल्प के साथ आपकी स्किन भी एक्सफोलिएट हो जाती है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं दही। दही आपने अराउंड 1 टेबल स्पून यूज़ करनी है, और दही के बारे में भी आप लोग जानते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा आपको सन रेज से भी बचाती है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिमूव करती है। अब हम करेंगे इस मास्क को अच्छी तरीके से मिक्स। तीसरा इंग्रेडिएंट हम जो यहाँ ऐड कर रहे हैं वो है हनी। शहद आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है, और इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। हनी आपके स्किन को ग्लो करता है, उसको हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है। इसकी आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद हमारा मास्क रेडी टू यूज़ है। इस फेस मास्क को आप बनाकर 10 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपने किसी भी ब्रश की मदद से अपने फेस को, नेक को और हैंड्स को कवर कर लेना है। कवर करने के बाद इस मास्क को आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है। मसाज आपने बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आपका मास्क ड्राई हो आपने जाके इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने स्किन को ड्राई नहीं करना और उसे ऐसे ही सूखने देना है। दिन में किसी भी टाइम आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और हफ्ते में आपने 3 मरतबा इसे यूज करना है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।